आपके भरोसे पर खरे उतरकर हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। सोनभद्र से पार्वती पांडे की रिपोर्ट। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जिला अस्पताल में जिला कारागार से आया रूटीन चेकअप के लिए कैदी चकमा देकर फरार हो गया। इसमें पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। पुलिस बल मौके पर मौजूद कर रही मामले की जांच। आरोपी युवक लल्लू केवट पुत्र रामविचार हत्या के मामले में जिला कारागार में था निरुद्ध। मौके पर आला अधिकारियों ने पहुंच कर रहे निरीक्षण। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत स्थित जिला अस्पताल में रूटीन चेकअप के लिए हत्या के मामले का आरोपी पुलिस को चकमा देकर जिला अस्पताल से फरार हो गया। लाए गए आरोपी को पुलिस के द्वारा हथकड़ी भी नहीं लगाई गई थी और उसे पैथोलॉजी के पास बैठाया गया था, लेकिन मौका पाकर हत्या आरोपी लल्लू केवट पुत्र रामविचार फरार हो गया। मामले की जानकारी होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन फानन में तीनों थानों की पुलिस समेत एसओजी टीम जिला अस्पताल पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही मामले की जांच में जुट गई। जबकि मामले की जानकारी होने के बाद मौके पर आला अधिकारी भी पहुंच कर निरीक्षण कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय विनोद कुमार ने बताया कि यह हत्यारोपी 4 महीने पहले अपने पुत्र की हत्या के मामले में जिला कारागार में निरुद्ध था। इसी दौरान वो फरार हो गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। जिन पुलिस कर्मियों के द्वारा लापरवाही बरती गई है उनसे भी मामले में पूछताछ करते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, चौकी भी परिसर के अंदर ही है, जिला अस्पताल परिसर के अंदर चौकी भी है, उसके बावजूद भी इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है। जिनके द्वारा लापरवाही हुई है उनसे जानकारी की जा रही है, आगे जो भी कार्रवाई है